हे गाइज वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल आई आम आरना सिंह इंटर एट एम्स न्यू दिल्ली आई सिक्योर्ड ए आई आर नाइन इन नीट एंड ए आई आर इलेवन इन एम्स बैक इन टू थाउजेंड सेवेंटीन एंड आई हैव बिन गाइडिंग स्टूडेंट्स फॉर पास्ट थ्री एंड हाफ ईयर्स एंड इस वीडियो में मैं गाइड करूँगा स्टूडेंट्स को ऑन दिस टॉपिक कि फिजिक्स में अगर आपके लेस देन हंड्रेड मार्क्स आ रहे हैं अभी एंड नीट ट्वेंटी ट्वेंटी टू आप टारगेट कर रहे हो राइट सो आप किस फॉर्मेट को फॉलो करो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ताकि आप एक रिस्पेक्टेबल 130 थर्टी टू वन मार्क्स आउट ऑफ 180 एटी uh, नीट में आप ले आओ राइट right? एंड uh, आप एडिकुएट टाइम अपने फिजिक्स केमिस्ट्री को भी दे सको ताकि ओवरऑल आप एक यू नो सिलेक्शन वाला जो स्कोर होता है 610 615 का उसको आप टच कर पाओ राइट right? सो so, इस वीडियो में फिजिक्स पर ही फोकस कर रहे होंगे हम लोग राइट बिकॉज ये सबसे प्रॉब्लमेटिक टॉपिक होता है स्टूडेंट्स के लिए पहला पॉइंट देखो यार वीडियो थोड़ी आई थिंक लंबी हो सकती है राइट right? क्योंकि मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूँगा कुछ चीज़ें एंड वीडियो का एक सेकेंड पार्ट भी होगा जो कि मैं बताऊँगा वो क्या होगा राइट right? इस वीडियो में सो so, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार राइट right? चलो पहली चीज़ हिट हार्ड एंड हिट फास्ट यूजअली जैसे अभी मैं इंटर्नू मैं ओ पी में यू नो पेशेंट्स भी देखना शुरू कर दिया बहुत अमेजिंग फीलिंग होती है आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू एक्सपीरियंस डट एज वेल राइट फोर पॉइंट फाइव ईयर्स डाउन द लाइन जब आप इंटर्नशिप कर रहे हो इस बार अगर सेलेक्ट हो जाते हो तो आपको भी अमेजिंग चीजें करने को मिलेगी पेशेंट पर पे डायरेक्टली आपको इम्पैक्ट करने का मौका मिलेगा वो भी पॉजिटिवली राइट सो हिट हार्ड हिट फास्ट हम कहते हैं जो भी रिमोटोइड आर्थराइटिस के पेशेंट होते हैं ना जिनके जोड़ों में दर्द होता है तो उनको हम ऐसे ही इस कॉन्सेप्ट से ट्रीट कर रहे होते हैं तो मैंने सोचा ये कॉन्सेप्ट आप फिजिक्स में भी लगा सकते हो क्यों लगा सकते हो कैसे लगा सकते हो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ राइट right. पहला हिट हार्ड हिट फास्ट क्यों करना है क्यों आपको फिजिक्स को सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है विग्रेस एंड रिग्रेस क्वेश्चन प्रैक्टिस की जरूरत है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एंड में नहीं अभी क्यों जरूरत है राइट right? और क्यों ये सब चीज़ें जल्दी करने की जरूरत है मैं समझाता हूं पहली बात फिजिक्स कंसेप्चुअल टॉपिक है जो आपको टाइम लेगा राइट फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री दोनों के लिए ये चीज़ वैलिड है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एंड बायो आप एंड में भी निपटा सकते हो और उनको ज्यादा रिविजन की जरूरत होती है राइट बायो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक को ज्यादा रिविजन की जरूरत होती है फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री को एंड में आप रिवाइज नहीं भी करोगे और अभी आप कॉन्सेप्ट अपने क्रिएट कर लेते हो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट कर लेते हो आप एंड में फील करोगे कि फिजिक्स हाँ यार थोड़ा ऊपर से फ्लिप करके चला जाऊंगा ना तो हो जाएगा सब कुछ ना रीसर्फेस uh, हो जाएगा रिवाइज हो जाएगा बट बायो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप एंड में रिवाइज करना चाहोगे ही चाहोगे क्योंकि आप चीज़ें भूल जाते हो वो फैक्चुअल है ये कंसेप्चुअल है फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री राइट और अगर फिजिक्स फिजिकल केमिस्ट्री में आप अच्छा करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है देरफोर आप अभी से ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपको फिजिक्स केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स को देना है कैसे देना पूरे वीडियो में डिस्कस करेंगे राइट right? दूसरा पॉइंट अब ये आपने डिसाइड कर लिया यार कि हाँ फिजिक्स में मेरे नंबर कम है और मेरे को यार 140 तक पहुंचना है फिजिक्स में एनी हाउ ठीक है एक्स्ट्रा एज क्या टॉपिक्स होते हैं जो आपको 140 टू 180 तक ले जाएंगे वो अलग से मैं वीडियो बना दूंगा बट इस पर फोकस करते हैं कि बेर मिनिमम वन थर्टी टू वन फोर्टी अब पहुंच जाओ अगर आप फिजिक्स में भी पचास साठ नंबर पर भी हो तो right. राइट तो दूसरा स्टेप आपको क्या करना है डिसाइड करने के बाद कि आपको वीक एरियाज अपने आइडेंटिफाई करने ठीक है क्योंकि आपको वन फोर्टी मार्क्स चाहिए 180 एटी आउट वन एटी हम नहीं टारगेट कर रहे हैं और उसके लिए आप अगर अपना वीक एरियाज आइडेंटिफाई कर लो कि क्या आपकी वीक एरियाज है उन पर आप स्पेसिफिकली फोकस करके कम टाइम में भी आप उस रिस्पेक्टिव स्कोर तक पहुंच सकते हो जो आपको क्रैक करके देगा नीट राइट right? अब इसके लिए आइडेंटिफाई वीक एरियाज का मतलब क्या है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं टेस्ट पेपर्स देने हैं उससे आपको अपनी वीक एरिया समझ में आएंगे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है चैप्टर वाइज अपने टेलीग्राम चैनल इन जो इन पे अपलोड कर दिए आप वहाँ पर जाइए एंड डाउनलोड कर लीजिए उन पेपर्स को और उनको स्टॉप पॉच लगाना शुरू करो तुम्हें तो समझ में आ जाएगा कि, कि किस टॉपिक में तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है राइट right? और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नाइनटीन टू ट्वेंटी ट्वेंटी वन नीट के सभी क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं चैप्टर वाइज तो आपको एक फोकस एक पर्टिकुलर चैप्टर में समझ में आ जाएगा कि हाँ यार बीस साल में इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं और इनमें मेरे को प्रॉब्लम हो रही है देअरफॉर ये चैप्टर मेरा वीक है अब उन वीक चैप्टर्स को आपको रेड और ग्रीन में डिवाइड कर देना ठीक है अब ये रेड और ग्रीन का जो डिविजन है चैप्टर का हर एक चैप्टर का कौन सा चैप्टर रेड में रेड डोमेन में आएगा कौन सा चैप्टर ग्रीन कैटेगरी में आएगा ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा राइट right? इसका जो फॉलोअप वीडियो होगा उसमें मैं आपको बता दूंगा कि फिजिक्स से कौन से रेड और ग्रीन चैप्टर्स हैं राइट right? तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वो वीडियो जरूर देखिएगा ओके okay? वरना ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ओके okay? तो ग्रीन चैप्टर का कॉन्सेप्ट यह रहेगा ना यार उन चैप्टर से आप, आपके कम क्वेश्चन आते हैं एंड उनका वॉल्यूम भी कम है ठीक है इन द से छोटे चैप्टर से क्वेश्चन भी कम आते हैं उनका वेटेज भी कम है चैप्टर्स का रेड चैप्टर्स आपके हाई प्रायोरिटी चैप्टर्स होंगे कौन से चैप्टर जिनका वॉल्यूम ज्यादा है लंबे चैप्टर है फॉर एग्जाम्पल आ, 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 आपका ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल हो गया थर्मोडाइन हो गया उनसे उनके भी ढेर सारे हैं उनसे क्वेश्चन भी काफी आते हैं एज आपका के टी जी हो गया छोटा सा चैप्टर है कम नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं सॉलिड स्टेट वाला हो गया चैप्टर कम क्वेश्चन आते हैं ठीक है सो so, ये चीज हो गई राइट अब आपने रेड और ग्रीन डिसाइड कर लिया तो उन चैप्टर्स पे करना क्या है उस पर बात करते हैं राइट रेड और ग्रीन का मैं फिर से बता रहा हूं चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा चैप्टर ग्रीन कैटेगरी और रेड कैटेगरी का है? वो आपको एक अलग से वीडियो में मैं बता दूंगा और सेम वीडियो मैं बायो के, के लिए भी क्रिएट करूंगा आपके लिए सो so दैट आपके पास एक क्लैरिटी हो कई बार स्टूडेंट खुद से नहीं डिसाइड कर पाते हैं। ये मेरे लिए हाई प्रायोरिटी टॉपिक है या लो प्रायोरिटी तो मैं आपको एक टेप्लेट दे दूंगा उसको आप मॉडिफाई कर सकते हो अपने हिसाब से पर हाँ आपके पास एक टेप्लेट होगा कि हाँ आरन भैया ने बोला ये सारी चीज़ें करनी है नीट ट्वेंटी ट्वेंटी के आसप्रेंट ट्वेंटी ट्वेंटी वन के आस्परेंट वो चीज़ फॉलो किए थे उनका भी अच्छा गया पेपर काफ़ी लोग सेलेक्ट हुए थे हमारी साइड से आप भी हो जाओगे ठीक है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आपको लगाना पड़ेगा अपना करने के लिए और वो मैं दे है, वहां ऐड कर रखा ठीक है तो फिजिक्स के लगा लो वैसे ही बायो ठीक के है अब पहली चीज आपको क्या क्या करना है क्या क्या चीजें आप कर सकते नोट्स फॉर्मुलाट फॉर्मुला आपके माइंड मैप्स होते हैं जो कि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल इम्सोन आरस पर डाल रखे सो नोट फॉर्मुला टेस्ट और मिनी क्वेश्चन बैंक ठीक है ये पांच चीजें हैं जो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप ये करो पर किन टॉपिक से लिए क्या करना है बताता हूं ग्रीन के लिए जैसे कि आप देख सकते हो पहली चार चीजें आपको करनी है नोट अपना रिवाइज करो ठीक है जल्दी जल्दी फ्लिप करो फॉर्मुला शीट में प्लीज आप सबसे ज्यादा फोकस करना जो माइंड मैप्स मैंने आपको प्रोवाइड किया ना अपने टेलीग्राम चैनल पे उनको देखो उसमें पूरे चैप्टर के एक पेज में सभी फॉर्मुलाज मेंशन है उनको आपको अच्छे से रखना है देखो यार अभी आपके पास ना ये कॉन्सेप्ट का गेम खेलने का बहुत समय नहीं है कि पूरा कॉन्सेप्ट बेसिक से समझ रहे हो फिजिसिस्ट बन रहे नहीं अगर आपका टारगेट है सिर्फ नीट क्रैक करना ना यार और 130 से 140 नंबर आप फॉर्मुला शीट से भी निकाल के ला सकते हो थोड़ा कॉन्सेप्ट लगा के और वो कॉन्सेप्ट आप सीख लोगे पी वाई क्यू लगा के उनके सोल्यूशन देख के ठीक है और टेस्ट देख के उनके सोल्यूशन देख के टेस्ट सीरीज आपके पास अगर कोई नहीं है आप ज्वाइन करना चाहते हो मेरी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और टेस्ट और PYQs, आपको स्टॉप वॉच पे देना प्लीज याद रखिएगा वरना आप कभी गेज नहीं कर पाओगे आप प्रेशर में कैसा परफॉर्म कर रहे हो ठीक है और हर वीक टेस्ट आपको देना टेस्ट सीरीज में हर वीक आपका टेस्ट जा रहा है आप उस इनरोल करके टेस्ट दीजिए ठीक है बराबर दीजिए स्टॉप वॉच पे ऑनेस्टली दो तो ग्रीन टॉपिक्स के लिए ना आपको ये करना है क्या है वो ग्रीन टॉपिक्स नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर कर दूंगा जैसे आपको बता रहा रेड टॉपिक्स के लिए मैं चाहता हूं आप मिनी क्वेश्चन बैंक भी कर लो अब मिनी क्वेश्चन बैंक क्या है आप पूछोगे कई स्टूडेंट्स को नहीं मालूंगा मेरे टारगेट बैच में मिनी क्वेश्चन बैंक है अगर आप टारगेट बैच नहीं भी ज्वाइन करो तो अपने मॉड्यूल्स के आप आ, पीछे के जो क्वेश्चन होते हैं वो सॉल्व कर लो इस रेड टॉपिक के लिए तो अपार्ट फ्रॉम दिस आप मिनी क्वेश्चन बैंक करो या अपने मॉड्यूल को क्वेश्चन लगाओ मिनी क्वेश्चन बैंक टारगेट बैच का पार्ट है लिंक डिस्क्रिप्शन दे रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हो और मिनी क्वेश्चन बैंक से भी अगर आपको लग रहा है कि यार उन रेड टॉपिक्स में जिनका वॉल्यूम ज्यादा ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं और कॉन्सेप्चुअल uh, है आपको और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तब उन रेड टॉपिक्स के लिए आप फुल क्वेश्चन बैंक भी कर सकते हो मिनी क्वेश्चन बैंक का कॉन्सेप्ट ही हम लोग ने ऐसा बनाया कि अगर आपके पास टाइम कंस्ट्रेन ना तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के हम लोग ने चैप्टर वाइज सबसे हाईल्ड क्वेश्चन मिनी क्वेश्चन बैंक में डाल दिए ठीक है फोर्टी फाइव टू फिफ्टी क्वेश्चन होते हैं हर चैप्टर में डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द चैप्टर हंड्रेड भी जा सकते हैं तो उतने ही क्वेश्चन आपको करने की जरूरत है और सभी टॉपिक्स उस जो चैप्टर में आते हैं उनको हम टच कर लेते हैं मिनी क्वेश्चन बैंक के थ्रू यही कॉन्सेप्ट है और यही आपको फॉलो करना है रेड वाले टॉपिक्स के लिए ठीक है और अगर फिर भी आप सेटिस्फाइड नहीं तो हम आपको फुल क्वेश्चन बैंक का भी अपॉर्चुनिटी देते हैं प्रैक्टिस करने का अब अभी आपके पास टाइम नहीं होगा तो फुल क्वेश्चन बैंक आप सभी टॉपिक्स के लिए नहीं कर सकते हो पर तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनके लिए एटलीस्ट आप कर सकते हो इतना समय है आपके पास अगर आप दबा के दस से बारह घंटे पढ़ रहे हो तो ठीक है आगे बढ़ते हैं अब फॉर्मूला शीट्स के बारे में मैंने थोड़ा सा आपको पहले भी बता दिया अभी बता देता हूँ माइंड मैप्स होते हैं शीट एक सौ बीस नंबर तक आराम से आपके फार्मूला से आ जाएंगे नीट के क्वेश्चन एकदम लप्पो होते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं स्पेशली सेक्शन ए वाले सेक्शन बी की बात नहीं कर रहा हो सेक्शन ए वाले आप इतना नंबर सिक्योर कर सकते हो अगर फॉर्मूला आपको याद है कई स्टूडेंट का फॉर्मला ही नहीं याद होता है। ठीक है तो शीट बार बार रिवाइज करके उनका प्रिंट आउट लेकर आप चिपका लो वो वो शीट बहुत अच्छे और विजुअली इंपैक्ट करने वाले शीट्स हैं जो कि डायग्राम के साथ आपको फॉर्मूला देते हैं देरफोर आप बहुत अच्छे से उनको याद कर पाओगे ईजिली याद कर पाओगे ठीक है तो टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करो उनको अपने स्टडी टेबल पे स्टिक कर लो और बार बार रिवाइज करो उनको ठीक है इतने नंबर आप उनसे सिक्योर कर लोगे शीट से ठीक है है अब दिस आपका जो नोट्स एंड एंड टेस्ट सीरीज है ग्रीन टॉपिक्स में आप सिक्योर कर सकते हो वन थर्टी फाइव टू वन फोर्टी नंबर ठीक है सो so ये टेलीग्राम चैनल मेरा जो मेरे वहां पर अवेलेबल है नेक्स्ट चीज आप कैसे पढ़ना है फिजिक्स तो मैंने बता दिया इन टॉपिक्स को ऐसे डील करना कितना समय दे तो मैंने पहले भी आपको ये बताया रखा है फिजिक्स का बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है एक इंटेंसिव फेज होता है और एक कंटिन्यूएशन फेज होता है क्योंकि फिजिक्स एक कॉन्सेप्ट टॉपिक है उसको आपको स्टार्टिंग में ना बहुत मेहनत करनी होगी एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिए यार उसके आगे की जर्नी ना बहुत स्मूथ हो जाती है आप रहीं भी रिवाइज करोगे और गलती से एक बार फ्लिप भी कर लोगे ना चैप्टर को तो आप क्वेश्चन करके आ जाओगे ये फिजिक्स में तो मेरी गारंटी है भाई इनऑर्गेनिक में ना हर बार आपको एक मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम देना पड़ेगा उसको रिवाइज करने के लिए चैप्टर बायो में भी आपको करना पड़ेगा ये वरना आप ना वो एक्यूरेसी ना मिस कर दोगे नीट के एग्जाम में ठीक है अगर रिवाइज करके नहीं जाते चीज़ें फ्रेश नहीं होंगी दिमाग में आप गलत करके आओगे राइट सो फिजिक्स में ऐसा चीज नहीं इसलिए मैं चाहता हूं, अभी फिजिक्स में आप छह से सात घंटे दिन के दो अगर आप यू नो you know, आप बारह घंटे पढ़ रहे हो तो एटलीस्ट फिफ्टी परसेंट टाइम आपको फिजिक्स को देना अभी जितना भी आप पढ़ रहे हो आठ घंटे पढ़ रहे हो फिफ्टी परसेंट टाइम आपको फिजिक्स को देना पर मैं तो रिकमेंड करूंगा यार दस से बारह घंटे पढ़ो लास्ट अपॉर्चुनिटी आपके पास ये लास्ट तीन महीने आपके रह गए जम के मेहनत कर लो ठीक है आर और पार की बात है फोकस आपका सिर्फ एक चीज पर होना चाहिए नीट क्रैक करने पर तो छह से सात घंटे आप आराम से फिजिक्स को दो ये आपका इंटेंसिव फेज है ठीक है अभी आप एटलीस्ट डेढ़ महीने ये चीज कर सकते हो वन पॉइंट फाइव मंथ आप इंटेंसिव फेज में अपने आप को रख सकते हो और फिजिक्स को सुपर स्ट्रेंडिंग कर सकते हो इंश्योर कर सकते हो कि फिजिक्स में आपके वन फोर्टी नंबर मिनिमम आ रहे हैं ठीक है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप बोलोगे भैया बायो केमिस्ट्री का क्या करें तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायो में आप कम टाइम दो ठीक है मैंने आपको पहले ही बता दिया ये आप एंड में चाहोगे रिवाइज करना ठीक है पर अगर फिजिक्स वीक आपकी हो गई एंड में तो आप ये भी नहीं रिवाइज कर पाओगे फिजिक्स के चलते क्योंकि कॉन्फिडेंस आपका लो हो जाएगा आपको मालूम है फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा फिजिक्स में नंबर नहीं उठा पा रहे और एंड में समय भी नहीं होता है फिजिक्स में टाइम देने को क्योंकि ऑलरेडी घबराहट हो रही होती है और उस एंगजाइटी में आप कभी भी कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं कर सकते देयरफॉर अभी टाइम है इंटेंसिव फेज में फिजिक्स को रगड़ के धो के डेढ़ महीने में फिजिक्स के आप जितने कॉन्सेप्ट बिल्ड कर सकते हो कर लीजिए बायो को कम टाइम दीजिए बिकॉज एंड में भी आप ये रट के जा सकते हो गगल के पेपर में आ सकते हो ठीक है उसके बाद कंटिन्यूएशन फेज आएगा कंटिन्यूएशन फेज मतलब आप तो कंटिन्यू कर रहे हो फिजिक्स को एक बार आपने कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लिया ठीक है कॉन्सेप्ट बिल्ड किया टाइम दिया उसके बाद अपना कंटिन्यू कर रहे हैं कम टाइम देते हुए कितना कम टाइम देते हुए टू टू थ्री आर पर डे बस फिजिक्स को दीजिए क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए मिनी क्वेश्चन बैंक से मेरे फुल क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस करो टेस्ट पेपर लगाओ टेस्ट में जो वीक एरियाज देखें उन पर वर्क करते रहो ये दो से तीन घंटा आपको डेली बेसिस पर करना है और उस समय खींच के बायोलॉजी केमिस्ट्री का जो ऑर्गेनिक एंड ऑर्गैनिक टॉपिक्स है वो आपको पढ़ना है राइट right? सो so, एक चीज जो बस रह गई वो इस वीडियो में कि ग्रीन टॉपिक्स क्या है रेड टॉपिक्स क्या है एक दो एक्साम्पल्स मैंने आपको दिए पूरे फिजिक्स के सभी चैप्टर्स को ग्रीन और रेड टॉपिक्स में डिवाइड करते हुए मैं एक और आपके लिए छोटी सी वीडियो बना दूंगा सो ऑल द बेस्ट कीप हसलिंग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऑल द बेस्ट